बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड इवनिंग एवरीवन। और वर्ल्ड कप चल रहा और भाया हमारे बेटिंग मास्टर्स बुकीस हया हवाइयो कैसे है। और वन के अबू मेरा एक मैसेज देखे लोग ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। और ये वर्ल्ड कप में मालूम होता कौन कौन बर्बाद होती है, कैसा कैसा बर्बाद हुए कतुबल को, स्पेशली जो हमारे भाया हैं एजेंटा बुकीस बेटिंग खेलने वाले छोड़े समझ तुम, आई थिंक तोबा कर रहे समझ तुम, या गाँव छोड़ते या तोबा करते आप पे है मेरे दोस्तों। सोचो गवारा तुम्हारा दिल गवारा कैसा तो भी दे रहा, हाँ इतना शुभ टेक्नोलॉजी बढ़िया, इतने जने उनके बारे में बयाना कर रहे, इतने चीज़ों को ये कर रहे, आम कर रहे, रोशनी में हैं। हाँ अब भी तुम्हें ये बातों पर अमल नहीं करे तो, हाँ बेटिंग नहीं छोड़े, बुकीस एजेंटा एजेंट करने का नहीं छोड़ रहे, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करने का नहीं छोड़ रहे बोले तो शर्म करना आप लोग। हाँ भाई क्रिकेट देखो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आता क्रिकेट खेलते, फिटनेस रहता, अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ मैं, नहीं का तो बोलता नहीं, लेकिन अल्लाह के वास्ते बेटिंग नको करो भाई। बुकीस बुकिंग करना, एजेंट शिफ्ट करना, उसमें जुआ नको बनाओ क्रिकेट को। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसे है ना देखो बस, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा लो समझे, बैठ को बीवी बच्चा के साथ खुशी से टाइम बिताओ। मैं बहुत जने देखी हूँ बहुत अच्छे अच्छे बिजी रहने वाले, लेबर के काम करने वाले भी जब क्रिकेट चालू हो जाती है एक घंटा पहले घर को आ जाते, कुछ पॉपकॉर्न ला ले को, बीवी बच्चा के साथ बिठा ले को, आराम से इतने नाम से देखो। अरे जब नमाज़ का वक्त है नमाज हम पढ़ो, बाकी का वक्त है क्रिकेट में जो टाइम लगाना चाह रहे नमाज़ के ख्याल करते हुए क्रिकेट में टाइम लगाओ। फिर जर जने को देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ बैठ को क्रिकेट देखते वो तो खुशी की बात है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या बोल तो बैटिंग करते, वो प्रॉब्लम मेरे हुए आपसे। मुझे जरे फैमिली देखे तो खुशी होते, टी वी के सामने बीवी बच्चा बैठ को इन्हें सिक्स मारता, ये बॉल फोर जाता, देख ये देख मैं बोलिया ना गए तुझे, ये बोलिया ना रहे मैं तुझे, कितनी खुशी दिखती मतलब मेरे भाई। मैं तो क्रिकेट का लवर नहीं, क्रिकेट देखता भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, चंद फैमिलीज में गया मैं ऑब्जर्व कराया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहाँ गए तो भी स्टडी करते रहते, ऑब्जर्वेशन में रखे रहते, हर चीज़ को हमें स्टडी करते रहते, सीखने के लिए चंद जगह जाते अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुशी होती। मैं आई होप समझ रहा हूँ ये बार IPL में और वर्ल्ड कप में कौन कौन घर छोड़ रहे, कौन कौन बर्बाद हो गया, अल्लाह बेहतर जानता। मैं दुआ करूँ मेरे भाइयों को अल्लाह इस चीज़ से बचाना क्या, तो उम्मीद करूँ मेरे भाई छोड़ो। इतने मैसेजा कर रहा हूँ मैं अकेला, बहुत तड़पड़ा है मारूँ भाई, दारू से बचाना, गुटके से बचाना, IPL बैटिंग से, क्रिकेट बैटिंग से, वर्ल्ड कप बैटिंग से बचाना, वनडे मैचेस के बैटिंग से बचाना बोल के बहुत कोशिश चल रही है, बहुत जिद्दोजहद है। मेरे साथ जुड़ो, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, मेरे मैसेज को ज़्यादा शेयर करो। गुजारिश है भाई ऑलरेडी बहुत से इसके ये टॉपिक को लेकर हमें बात कर को है भाई, तुम ना कभी अफसोस नहीं दिखता, छोटे छोटे बच्चे पक्के रहते, बैटिंग खेल डालते, हार डालते, रेंट नहीं भनते, उनके बच्चों को जो हार जाते उनके बच्चे याद नहीं आते मेरे भाई, उनके बीवी बच्चे याद नहीं आते, उनके माँ बहन याद नहीं आते, उनके तकलीफ़ें याद नहीं आते मेरे भाई, क्या गैरत अल्लाह तुम्हें डरते नहीं क्या भाई, अल्लाह तुम्हारे दिलाओं पर पत्थर रखा, ये बात आपको कब समझ में आती मेरे भाई, कब असर करती बोलो तुम्हारे ऊपर ये बात, कब असर करती है सब चीज़ा, तुम्हारे ऊपर ये सब असर नहीं कर रहे बोले तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें जोजख ही के जोजख के बहुत करीब है बोल के अफसोस करो मेरे भाई, थोड़ी तो अफसोस करो। दूसरे बच्चों का दूध का ख्याल रखो, खाने का ख्याल करो। कितने की जने बेवा हो जाते ना मेरे भाई फांसी डालने को, IPL बैटिंग खेलते हारने के बाद लोग घर कने फिरते चपलाने को ढूंढते रहते, आपको अफसोस नहीं दिखता मेरे भाई, जीते साले हमको मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, तुम अफसोस नहीं दिखता भाई, ये बात बहुत अफसोस होता भाई। मैं कभी रोड़ा पे जाते रहते ना कोसे तो बच्चे, मैं नाश्ता लेने की जगह मासूम बच्चे हमको उनके पेरेंट्स ले को आते, वो कुछ पूछते तो उससे कम रेट का दिलाते ना, तो कितना अफसोस होता मेरे भाई। आप लाखों के करोड़ों का लूट डाल रहे अग्गे वाले से हेंट रहे, शर्म नहीं आती मेरे भाई, अल्लाह को डरो मेरे भाई, क्या देखते भाई खबर में मूछे के बाद क्या देखते बोलो, देख रहे हैं आप खबर के आज़ाब, कितने मोजाजे देखे, कितने करिश्मे देखे तुम्हें खबर के, खबर के अंदर से बिच्छू देखे, सांप को देखे, उसके बाद भी तुम्हें बेडर बैटिंग कर रहे बोले तो ग्रेट तुम्हें,
अल्लाह माफ़ करना तुमना और हिदायत भी देना अल्लाह तुमना। बेटिंग फेलोज़ को मेरी बात गलत लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई, कोशिश करो। आज 2 तारीख 11 महीना 2020 पोतीन में कर रहा हूँ मैं, मेरी जिद्दोजहद है, मेरा साथ दो। इंशाल्लाह बेटिंग को क्लोज़ करो मेरे भाई, दूसरे माँ बहन का खाने का इंतज़ाम करो। बेटिंग बुकिस ये बंद करे तो दूसरे के माँ बहाना, दूसरे के बच्चे पेट भर को खाना खाते कत बोल को मैं सोच रहा हूँ। हकीकत है, मैं अकेला बेटिंग नहीं करने से दूसरे नहीं करते क्या रहेगा तो सोचे तो तुम्हारी गलत फहमी है भाई। महात्मा गांधी भी क्या करे, मैं मर जाता हूँ, मैं आज़ादी दिलाए तो मैं क्या रहूँ क्या छोड़। तो ये सब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने सब ऐसा सोचे रहे तो आज हमें फ्रीडम से वीडियो बनाते थे क्या, फ्रीडम से क्रिकेट देखते थे क्या? ऐसा नहीं मेरे भाई, कोशिश करो। तुम्हारे अकेले अमल करने से कितने जने अमल करते कि ये सोचो मेरे भाई। मैसेज बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोशिश करो। तुम्हारा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं छोड़ा तो दूसरे छोड़ते रहे, कहने का एक दिल में ला लो, इंशाल्लाह सब जने छोड़ते, इंशाल्लाह देश हमारा भारत बेटिंग से मुक्त करना बोल के मैं एजेंडा स्टार्ट करी हूँ। आपका साथ हो तो ये पॉसिबल है, नहीं तो कुछ भी नहीं। टेक केयर, आपका RMC रफ़ी, टीम RMC से खुदा हाफिज़ दोस्तों। दुए में याद रखो, कोशिश करो, अच्छे रहो, खुश रहो। मैं ये बेटिंग के चिक्कड़ से आपको निकालना चाहता हूँ, मैं बेटिंग से चिक्कड़ से आपको निकाला तो खुद का खुद तुम्हारे घर की फैमिली आप खुश रह सकते। मेरी बात को बहुत सीरियस लेके देखो दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या बेटिंग एक ऐसी वबा है, एक ऐसी गंदी चीज़ है, एक बार सोचो, सोच को देखो, इंशाल्लाह छोड़ने की कोशिश करो। खुदा हाफिज़।